कितनी ही बेरूह थी जिंदगी, पल पल खुदा से तेरा इश्क मांगा, दुआ क्यों हुई अनसुनी। हमने बांधो हमने इतना मैसिव सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वी वर्क रियली हार्ड फॉर इट। तो एक्सपेक्टेशन थी कि वील डू वेल, बट अल्हम्दुलिल्लाह आवर फैंस एंड द ऑडियंस हैव बीन वेरी काइंड, अल्लाह सुब्हान तआला हैज बीन रियली काइंड कि इतनी व्यूअरशिप आई। अभी रिसेंटली काफ़ी यंग लोगों के साथ काम किया है, जो जिनका पहला या दूसरा प्रोजेक्ट था, तो उन सब में मैंने ये फील किया कि हारून सबसे ज़्यादा पैशनेट है और बहुत हार्ड वर्किंग है। जैसा लगता है कि वो फ्यूचर में दाखिल हो चुका है, वो पहला कदम। और सिर्फ हारून नहीं, उन्होंने तो वंडरफुल एक्टिंग की ही की, किंजा उसके बाद अली फिजान डायरेक्टर, हमें भी अपनी गेम अप करनी पड़ेगी। हाँ ऑब्वियसली हारून से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं और होनी भी चाहिए हम लोगों को, बिकॉज अब्दुल्ला भाई हम सब के लिए जिस तरह काम करते हैं, या असद तो वो अपने बेटे पे कितना और ज़्यादा प्रेशर उनका होगा। आई मस्ट से दैट इट्स एन अमेजिंग टेलीफिल्म व्हिच इज नॉट लुकिंग अ टेलीफिल्म, इट्स लुकिंग लाइक अ फिल्म। वी वांटेड मोर, मुझे और स्टोरी देखनी थी इसके आगे भी, बट आई गेस इसका मेरे ख्याल से एक सीक्वल बनना ज़रूरी है। हारून कादवानी हैज अराइव्ड एंड माशाल्लाह ही सो कॉन्फिडेंट इन हिज डेब्यू, एंड आई थिंक सेवन स्काई ने एक और बेंचमार्क सेट किया, 100 मिलियन एंड दैट टू ऑन अ टेलीफिल्म। आई थिंक इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन एंड माय बिग कंग्रेचुलेशंस टू अब्दुल्ला कादवानी साहब एंड असद कुरैशी। सबसे पहले मेरा रिएक्शन तो ये था, मैंने कहा हारून ने इतना अच्छा काम किया माशाल्लाह, और मैंने अब्दुल्ला भाई को बोला था कि आपको सिनेमा में लगानी चाहिए, ये टीवी की नहीं है। पोश आई थिंक इट्स अ मास्टरपीस एंड यूजुअली टेलीफिल्म्स ऐसी बनती नहीं है। Good to see actors and actresses come together and play such intense characters. Ali Faizan ki direction plus sabki acting, and I think it looks grand, and I think that's amazing. Yeah, and the boy Arun, he looks amazing. He's very sweet as well. He's very sweet.